शिवपुरी में कोरोना काल के समय अपनी जान की परवाह न करते हुए आमजन की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कार्य करने वाले कोरोना योद्धा एमपी पुलिस अधिकारियों का उनके कार्यालय पहुंचकर मानव हितों में कार्यरत संगठन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स काउंसिल भारत मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद दारा के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री मोहम्मद उमर खान, प्रदेश सचिव अरशद अली और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी टीम के साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पहुंचे और कार्यक्रम की रूपरेखा को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स काउंसिल भारत मध्य प्रदेश सचिव अरशद वली के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद दारा खान, प्रदेश संगठन मंत्री मोहम्मद उमर खान, जिला संगठन मंत्री मोहम्मद सुहेल, जिला मीडिया प्रभारी यूसुफ शेख और पूरी प्रदेश टीम के साथ मिलकर शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, कोतवाली टीआई बादाम सिंह, फिजिकल थाना प्रभारी करपाल सिंह राठौड़, देहात थाना टीआई सुनील खेमरिया, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, सूबेदार नीतू अवस्थी, सूबेदार प्रियंका, सूबेदार निर्भया प्रभारी गायत्री इटोरिया और शिवपुरी शहर के हर चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस स्टाफ जिन्होंने कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद दारा खान। सर आप ये सम्मान पत्र हर जगह जा जाके पुलिस प्रशासन में और हर पदाधिकारी को सम्मान पत्र से नवाज रहे हो जी। तो क्या आपका संगठन है, किस पद पर हुआ? मैं मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसिल मोहम्मद दारा खान। हमारी जो राष्ट्रीय टीम है उसके द्वारा यहाँ पर जो समाज सेवा के कार्य करने वाले हैं और जो कोरोना काल में जो पुलिस प्रशासन ने जो महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं, जिन लोगों ने समाज की सेवा की, गरीबों की मदद की और बीमारों की सहायता की, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ये सम्मान पत्र सभी उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो कोरोना काल में जिन लोगों ने मेहनत की और अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे लोगों का ख्याल रखा। ये उसी चीज़ का एक उन लोगों के लिए एक छोटा सा परिश्रम है, हम लोग हमारी तरफ से उन लोगों का एक सम्मान करना चाहते हैं हमारी टीम के द्वारा, जो लोग मानवता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। सर आपने कौन कौन से विभाग में सम्मानित किया है? अभी हमने पुलिस महकमे में जितने लोगों ने ड्यूटी करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उन लोगों को, डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी करते हुए मरीजों का जिन्होंने इलाज किया अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों को सम्मानित किया, मीडिया कर्मी जो दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए फील्ड में रहे और समाज सेवक जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, उन सभी लोगों को हमने सम्मानित किया। सर सम्मानित पद के अलावा आपने कोई गिफ्ट भी दिए उन्हें? हाँ, हमने उनको पुरस्कार स्वरूप ठंडे गर्म पानी की थर्मस बॉटल आदि उनको गिफ्ट में दिया, ताकि पुलिस प्रशासन को तो विशेष तौर पे ये गिफ्ट दी गई हैं ताकि वो दूर में चिलचिलाती दूर में खड़े होते हैं और उस वक्त उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं होती, जो हमने ठंडे पानी की बोतल उनको दी है वो हमेशा अपने पास रख सकते हैं, उसमें वो ठंडा पानी उनको हमेशा अवेलेबल रहेगा। विगत 15 महीनों से बसों का संचालन बंद पड़ा हुआ है। पहले कोरोना संक्रमण के दौर में जब बसें बंद हुई थी तब पूरे हिंदुस्तान में बसों का संचालन बंद हुआ था, जिसके कारण हमारे को जो है मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर तक हमारी स्थिति इतनी गंभीर थी कि हम बसें चला नहीं पा रहे थे। हमने सरकार से मांग की गई थी कि हमारा एक साल का टैक्स माफ़ किया जावे, परंतु मध्य सरकार ने जो है हमारे 5.5 महीने का टैक्स माफ़ करने के बाद में जो है हमें वही आर्थिक संकट में डाल दिया गया है। किसी तरह से हमने 60% गाड़ियों का संचालन चालू किया गया है, 40% गाड़ियाँ अभी आज भी जो है के फार्म के माध्यम से परिवहन विभाग में खड़ी हुई है। उसके बाद हम जब अप्रैल 2021 में जब परमिट लेकर गाड़ियाँ चला रहे थे, अचानक जो है 11 अप्रैल से जो है 52 कलेक्टरों द्वारा यह आदेश किया गया कि लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके कारण हमारे परमिटधारी सब गाड़ियाँ रुक दी गई है। हमारी इन गाड़ियों के रुकने से हमको नुकसान तो आर्थिक नुकसान तो हुआ है, उसके साथ में जो है बसों का संचालन बंद हुआ है। अप्रैल मई और वर्तमान जून में भी जो है अभी गाड़ियाँ चलने के कगार पर नहीं है, क्योंकि
ट्रैफिक नहीं निकलने के कारण जो है हमको जो है नुकसान हो रहा है। हमने सरकार से मांग की गई है कि हमें एक साल का टैक्स शून्य किया जावे, जितनी पेनल्टी सब रोक दी जावे, ताकि हम इस आधार पर जो है हम गाड़ियों को संचालन कर सकें, क्योंकि कोरोना के डर के मारे आज भी यात्रीगण जो है घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इस कारण से हमारा बसों संचालन गड़बड़ा गया है। इसी प्रकार से हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जब परिवहन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई, तो आयुक्त मुकेश जैन द्वारा जो है वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमें एक के फार्म की जो समस्या थी कि परिवहन विभाग जो बेमानी करके जो हमारे से के फार्म के माध्यम से जो टैक्स एडवांस टैक्स वसूलता था, उस पर जो है कानून ने जो है उसको समझाइश दी गई, तो उनको समझ में आया और उन्होंने जो बेमानीपूर्वक जो कार्य हो रहा था उसको रोका गया। इससे ये फायदा हुआ कि अब हमारा मोटर मालिक के फार्म के माध्यम से लंबे समय तक जो है बसों का संचालन जो है नहीं कर सकता है। ये इससे एक हमारे को काफ़ी मतलब सहायता मिली है, आर्थिक सहायता मिली है हमके, इसलिए परिवहन विभाग के आयुक्त महोदय को जो हम धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से सितंबर 2021 में जब किराए बोर्ड की बैठक हुई थी और जनवरी में किराए बोर्ड द्वारा जो है 25% का किराया बढ़ाया गया है, वो काफ़ी कम है, क्योंकि किराए बोर्ड की बैठक से लेकर आज तक जो है 19 रुपये डीजल के भाव बढ़ने से जो है हमारी स्थिति वापस जो ख़राब हो गई है। हमने सरकार से मांग की गई है कि पुनः किराए बोर्ड की बैठक की जावे और हमारा किराया 50% पुनः बढ़ाया जावे। यदि नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा परिवहन तो आर्थिक संकट में आएगा। हमने सरकार से मांग करी है कि एक साल का टैक्स माफ़ किया जावे, हमें मोटर मालिकों को आपदा राहत फंड से हमें राहत दी जावे, ताकि हम मध्य प्रदेश में जो सच्ची सुलभ परिवहन सेवा जो हम दे रहे हैं और देना चाहते हैं वो हम इस सरकार के माध्यम से दे सकते हैं। आशा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी बात को समझेंगे और इस परिवहन उद्योग को जो संकट में डूब रहा है उसको बचाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। गोविंद शर्मा, अध्यक्ष प्राइम रूट बस ऑनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।